दो पहिया वाहन हमेशा से भारतीय आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजाज कंपनी ने कैलिबर 115 को मार्केट में लॉन्च किया था। यह बाइक लोगों के आरामदायक सफर के लिए बनाई गई थी, जो कि आम लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं बजाज कैलिबर 115 के सफर पर और जानते हैं इसके शानदार इतिहास को। साल 2003 में बजाज ने अपनी शानदार बाइक कैलिबर को मार्केट में लॉन्च किया। कंपनी ने कैलिबर को आम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया था, जिसमें बाइक के माइलेज और डिज़ाइन पर विशेष ध्यान दिया गया था। बजाज कैलिबर बाइक एक सस्ती, सुंदर और मजबूत बाइक थी, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आकर्षक डिज़ाइन और हल्का वजन कैलिबर की प्रमुख विशेषताएं थी। बजाज कैलिबर 115 को एक पंचलाइन हुडी बाबा के साथ लॉन्च किया गया था। बजाज ने 8000 आरपीएम पर 9.5 bhp का उत्पादन करने वाले 111.6 एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन का विकास किया था, जो उन दिनों के 111.6 सीसी बाइक के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा था। कैलिबर 115 की स्टाइल भी बहुत आकर्षक थी, विशेष रूप से तोता हरे रंग में बाइक बहुत शानदार लगती थी। कम कीमत वाली बजाज कैलिबर आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बाइक थी। कहने को तो ये दो पहिया वाहन थी, लेकिन किसी कार से बिल्कुल कम नहीं थी। इस पर आसानी से एक छोटा परिवार बैठ सकता था, और ऐसा हुआ भी। 2000 के दशक में कैलिबर छोटे परिवारों के लिए अच्छी पसंद बन गई थी। बजाज कैलिबर एक ऐसी बाइक थी जिसकी लोकप्रियता समय के साथ साथ बढ़ती गई। प्रतिस्पर्धी बाजार होने के बावजूद इस बाइक ने बाजार में अपना स्थान बना लिया था। बदलते समय के साथ मार्केट में कई नई तकनीक वाली बाइक आ गई थी, जिन्होंने इसकी लोकप्रियता को कम कर दिया था। आखिरकार कुछ सालों के शानदार सफर के बाद इसके उत्पादन को बंद कर दिया गया, लेकिन यह बाइक लोगों की पसंदीदा बाइक में से एक थी, जो कि हमेशा लोगों के दिलों के करीब रही। तो दोस्तों, यह था बजाज कैलिबर का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भी इसकी सवारी का आनंद लिया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।